हाय गाइस, मैं मानस और मेरे साथ आज है श्रीकांत शर्मा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक्चुअली ये है, इनके साथ मैं हूँ। बात ये है, तो हमने एक रूम बुक किया था। अभी हम लोग अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में एक रूम बुक हमने रूम बुक किया था गो आईबीबो से। तो उस रूम में हम लोग रात रुके, तो आज सुबह अभी 7 बजे, तो हमने सोचा क्यों ना रूम को थोड़ा दिखा दिया जाए ऑडियंस को भी, ताकि वो भी अगर कभी अजमेर में आया, इस होटल में ठहरे, तो पता चले एटलीस्ट इसका रूम कैसा है, क्या है और देखना क्या भाई, प्राइस है, क्या कमियां नहीं लिखने है। वाले ठीक कितना है, बढ़िया रहता है। तो रूम दिखाने का कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, एक सेकंड मैं आपको एंट्री एंट्रेंस से दिखाता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये हमारी एंट्रेंस गेट है ना। यहाँ में आपको एक मिल जाएगा, एक नोटिस जैसा ही मिल जाएगा आपको, या फिर आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। इसमें लिखा है चेक इन का टाइम, चेकआउट का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम। 2.5 घंटे का ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं आराम से। कोई भी कितना भी खाने वाला इंसान हो, 2.5 घंटे में तो काफ़ी खा सकता है। और डिनर का भी टाइमिंग है, वाईफाई का यूजर नेम पासवर्ड है, और एक नंबर लिखा गया है नीचे में, आप कॉल कर सकते हैं कुछ भी होने से। और ये जो है बड़ा सा बेड आप देख सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से तो 3 लोग भी सो सकते हैं। ये होटल वाला अगर परमिट करता है तो ये बेड काफ़ी बड़ा है। हम लोग तो 2 ही सोए, उसके बाद भी बहुत जगह बच गया था, अब क्या करें। और इसके बाद आपको मिल जाता है ये कुछ लोशन वगैरह वो लोग देके जाते हैं, पता नहीं हम लोगों को क्यों दिया ये। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कोई फेस वॉश वगैरह कुछ होगा, नहीं प्लास्टिक का ही नहीं। ठीक है, वैसे और गद्दा बढ़िया है, श्रीकांत गद्दा मस्त पूरा है, रात श्रीकांत ठीक नहीं है हमने ना। सोया। ठीक है ना, और देख लो, कविताएं लिखने का फायदा कितना मस्त है। देखो, कितने बड़े होटल में रुकूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी लिखना शुरू कर दो, अब नहीं लिखते तो सुनना तो शुरू कर दो यार। कोई मिल जाएगा एक बीटल का फोन, आप दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो फोन है ना, ये उठाते 9 डबल आपको डायरेक्ट चला जाएगा रिसेप्शन में फोन, और आप वहाँ में बोल सकते हैं मुझे चाय चाहिए, चाय चाहिए, वो लेके आएगा। मुझे कॉफी चाहिए, लेके आएगा। तो मैंने बोला था मुझे सब चाहिए सर, तुरंत लेके आए। ये दो रिमोट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 2 ग्लासेस भी मिल जाएगा, क्या बात है। मानस, और इधर में तुम्हारा एलईडी टीवी टीवी ऐसे ही सुविधा, का, एलईडी का बढ़िया सा टीवी मिल जाएगा जो कि एलजी का है। हमने रात को थोड़ा बहुत देखा था, अच्छा लगता है, इट्स फील ठीक गुड। है, ऊपर में एक बेस्ट। एसी भी है, अगर गर्मी को छुट्टी में आते हो तो फिर एसी काम में आ जाएगा। और यहाँ पे एक अलमीरा भी है, देखो देखो यार, ये अलमीरा भी है, यहाँ कपड़े वगैरह रख सकते हो। हमारे जैसा मत रखो, हम तो बेचलर है, ऐसे ही रखते हैं, कुछ भी चीज़ रखने का ढंग नहीं है। अच्छा से रखना, ऊपर में भी है हैंगर वगैरह लगाना। और क्या क्या है, और यहाँ पे एक आईना भी है, या मिरर कह सकते हो, है ना, ड्रेसिंग मिरर दराज भी मिल जाएगा। और बाथरूम भी दिखा देता हूँ। तो ये जो है बाथरूम है, यहाँ से देख सकते हो, है ना, ये शावर लगा हुआ है ऊपर में, दो दो पानी के टैप से। ये हैंड वॉशिंग बेसिन, बस यही है। बाथरूम छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, अच्छा है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे रुके, अभी हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से ब्रेकफास्ट करके। हाँ, इस स्कूल में, सॉरी, इस होटल में ब्रेकफास्ट फ्री है, गलती से स्कूल में काम करते करते स्कूल का नाम आ गया। ब्रेकफास्ट फ्री है, ब्रेकफास्ट सब करके जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।